जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी की हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझ आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके, आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज शाम 7 बजे हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर बनाते हैं। आज भी जो शाम 7 बजे हम लोग देखो इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो कि आपका पेपर है देखो सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का एमसी सेंटर लखनऊ का ये पेपर है। नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर के लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर करवाइए। नर्सिंग असिस्टेंट वाले बोल रहे थे कि आप जीडी की करवाते हो, ट्रेड्समैन की करवाते हो, टेक्निकल ये करवाते हो, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट के कभी नहीं करवाते हो। तो देखिए मैं करवाना चाहता हूँ, बस मेरे पास देखो पेपर थे नहीं नर्सिंग असिस्टेंट के, और ये भी मेरे पास केवल एक ही पेपर है नर्सिंग असिस्टेंट जो कि मेरे को आप में से किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया। जब मैंने देखो रिक्वेस्ट किया था आप सबसे 2 दिन पहले करीब करीब, मैंने 31st को, ठीक है, जो मैंने आप सभी को देखो रिक्वेस्ट की थी 31 जुलाई को, तो बहुत बच्चों ने मुझे पेपर सेंड की, उन सबको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि देखो पेपर मेरे पास थे नहीं, खास करके नर्सिंग असिस्टेंट वाला तो और नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने भेजे। उन्होंने वैसे भी पेपर भेजे जो मेरे पास पहले से थे, लेकिन कुछ ऐसे भी पेपर्स हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स कि देखो आप सब ने मेरे केवल कहने पे पेपर मुझे सेंड कर दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी की वजह से बहुत बच्चों की हेल्प हो पाएगी, तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। उन्हीं में से किसी एक स्टूडेंट के द्वारा जो है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर भेजा गया था, तो भाई उनकी वजह से आप लोग आज ये क्लास कर पा रहे हो नर्सिंग असिस्टेंट वालों। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। देख सकते हो बेसिक डिटेल्स है कि मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 80, ऐसे बेसिक डिटेल्स हैं। बाकी ड्यूरेशन 60 मिनट, ये जानकारी तो दी ही जाती है कि समय 60 मिनट की रहेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से क्लास क्वेश्चन को शेयर कर दीजिएगा अपने और भी नर्सिंग असिस्टेंट वाले फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक करिए, और जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। देखिए रोज दोपहर 1 बजे हम लोग इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास करते हैं, एंड रोज शाम 7 बजे देखो हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करते हैं। तो हमारे दोनों क्लास में आप सब जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखो आपके सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है देखो आपका, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, यूरेनस, बृहस्पति या प्लूटो। लगभग सभी को आंसर पता है, राइट आंसर क्या होनी है, तो बृहस्पति होनी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये आपकी बृहस्पति है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका, गोल्डमैन अवार्ड्स आर गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या फिर विज्ञान की लोकप्रियता। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है आपका गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। जो गोल्डमैन पुरस्कार है वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका, ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे फेल्स, यहाँ पर बताना है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन होता है। आपका देखो दिया हुआ है 24 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 30 अक्टूबर। किस दिन जो है देखो आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, किस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है, तो वो दिन है देखो आपका 24 अक्टूबर। जो 24 अक्टूबर है इस दिन देखो आपकी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका, हु ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन पब्लिक मीटिंग इन जालियांवाला बाग इन 1919। सन 1999 में जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर गोलियों चलाने का आदेश किसने दिया था, लॉर्ड हार्डिंग ने, या फिर देखो मोटागवे ने, या फिर जनरल डायर ने, या फिर देखो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। किसके द्वारा जो है सन 1999 में जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर गोली चलाने का आदेश दी गई थी, तो वो था भाई देखो आपका जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर के द्वारा जो आदेश दिया गया था सार्वजनिक सभाओं पर गोलियां चलाने की सन 1919 में जालियांवाला बाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड बाय, बिजली की खोज के द्वारा की गई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ग्राहम बेल, आइजैक न्यूटन या फिर देखो मार्कोनी। निम्न में से किसके द्वारा जो है बिजली की खोज की गई थी, तो देखिए जो बिजली की खोज है ये की गई थी देखो आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है इनके द्वारा देखो बिजली की खोज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, भारतीय विज्ञान संस्थान में स्थित है, नई दिल्ली, बंगलुरु, हैदराबाद या फिर चेन्नई। निम्न में से कहाँ पर जो है देखो आपका भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, नई दिल्ली में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है या चेन्नई में है। तो याद रखिएगा सबको, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है ये देखो आपका स्थित है बेंगलुरु में, बंगलुरु में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है देखो यहां पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएनए। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, वेटिकन सिटी, स्विट्जरलैंड, बहामास या फिर मॉरिशियस। निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो कि यूएनओ का हिस्सा नहीं है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए वो जो देश है वो है आपका वेटिकन सिटी। जो वेटिकन सिटी है ये देखो आपका यूएनओ में सदस्य नहीं है, यूएनओ का जो सदस्य नहीं है वेटिकन सिटी, जो कि सबसे छोटा देश है।
चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है देखो यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया, कौन सी अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है, इनमें से कोई नहीं भूमध्य, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा, इनमें से कौन सी रेखा है जो कि देखो आपका भारत से होकर गुजरती है। देखिए भारत से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो है देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो देखो आपका भारत के, भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम या फिर रूस, निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिसका लिखित संविधान नहीं है, तो वो देश से देखो आपका इंग्लैंड, जो इंग्लैंड है इसकी लिखित संविधान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहां पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, ये है देखो, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय में स्थित है, मनीला, बैंकॉक, सिंगापुर या फिर जकार्ता, इनमें से कहां पर जो है देखो आपका एशियन विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो देखिए जो एशियन विकास बैंक है उसका मुख्यालय देखो स्थित है मनीला में। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए, जो मनीला है यहां पे देखो आपका स्थित है एशियन विकास बैंक का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो चलिए देखो जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं इनकी जीके से टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन हो चुकी हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखो आपका सेक्शन बी में मैथ होगा, ठीक है। तो चलो मैथ भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया देखो सेक्शन बी में, एक वृत्त का व्यास जो है वह वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल 3136 वर्ग सेंटीमीटर, उस वृत्त की परिधि बताएं। सोल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है देखो कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो 3136 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मानो कितना दे रखा है आपको देखो, तो 3136, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है भाई, तो आपका 3136 है। अब ए निकाल लो, तो ए इक्वल टू निकालोगे तो अंडर रूट में 3136 आएगा और ए इक्वल टू आएगा आपका 56, क्योंकि जो 3136 है वो देखो आपका 56 का स्क्वायर होता है, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 56 आ गया, ए इक्वल टू देखो आपका कितना आ गया, 56 आ गया, ठीक है। आपने क्षेत्रफल से 56 निकाल लिया। अब क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त का जो व्यास है मतलब कि d किसके बराबर है, तो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप देखो 4 गुना भुजा होता है, तो d इक्वल टू कितना आ गया देखो 4 इंटू ए, ए कितना हो गया 56, तो जब आप देखो 4 इंटू 56 करोगे ना तो आपका आएगा देखो 224, मतलब कि आपका d कितना आ गया 224। अब d आपका देखो यहां पे d कितना आया, d आ गया 224, इससे r निकाल लो, r इक्वल टू हो गया देखो आपका d बाई 2, मतलब कि 224 बटा 2 तो कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 112। आपने r निकाल ली, आर कितना है देखो, तो आपका आर आया हुआ है 112। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब क्या आपको बोला है देखो वृत्त की परिधि, तो जब आर मिल गई तो वृत्त की परिधि निकाल दीजिए, तो वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है देखो 2πr होता है, तो हो गया देखो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर कितना हो गया 112। जब 7 से 112 को कट करिएगा ना तो आपका देखो ये कितनी टर्म में कट होगा, तो 1 टर्म इधर उधर बचा आपका देखो यहाँ पे 4, मतलब कि 46, तो 2 इंटू 22/16 कर दो, आपका आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब देखो आप 2 इंटू 22/16 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा देखो ऑप्शन नंबर बी 704, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो 704 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि आपने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहां पे आपका, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूरी को 48 मिनट में तय करता है, यदि वह अपनी गति को बढ़ाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो वह उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। यह चीज जो आपको यहां पे दी गई है क्या है देखो आपका, तो सबसे पहले यहां पे देखो आपको दूरी दी गई है, समय दिया गया है, तो पहले चाल निकाल लेते हैं। तो चलिए चाल इक्वल टू क्या होता है देखो, दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितना है, तो यहां पे चाल, सॉरी आपको चाल दी गई है, मैंने मिस्टेक की, देखो यहां पे चाल दी गई है आपको, चाल दिया गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया गया, तो दूरी निकाल लीजिए। अगर आपको चाल मिला हुआ है, ये देखो दूरी मिला और समय मिला हुआ है, तो दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दूरी इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका चाल गुना में समय, चाल गुना समय करो, तो चाल कितना है, तो चाल देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, समय कितना है, तो समय देखो दिया हुआ है 48, 12 गुना 48 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो जब आप 12 × 48 करोगे तो आपका देखो आएगा 576, 576, यहाँ तक आ गया। और जब आपको दूरी 576 मिल गई तो आगे क्या बोला, यदि वह अपनी गति को बढ़ाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, मतलब कि आपको समय निकालना है, तो दूरी देखो आपको मिला हुआ है 576, अब आपको निकालना है समय, ठीक है। तो समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटा में चाल, तो दूरी कितना है, दूरी तो मानो यहाँ लिखा हुआ है कि तो वह उस दूरी को, मतलब कि वही जो 576 उसी दूरी को, तो 576 बटा में चाल कितना है, तो चाल को देखो बढ़ाकर कर दिया 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 16 बटा जब 576 करोगे ना तो कट करने पर आपका आंसर आएगा देखो यहाँ पे 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए 36 मिनट, ठीक है। चलिए आ गया होगा सभी का। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ से, जो कि देखो आपकी यहाँ पे दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन नंबर 13,
कि 5 लड़के 35 खिलौनों को पैक करने में 7 घंटे का समय लगाते हैं, 3 घंटे में 66 खिलौनों को कितने लड़के पैक कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, तो यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें हैं। एक तो M1 दिया है, ये देखो 5 लड़के M1 हो गया, ये यहाँ पे वर्क दिया आपकी 35 खिलौनों का वर्क हो रहा है, तो ये W1 हो गया, और समय दिया हुआ है तो T1 या फिर D1 7 घंटा हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है देखो इसका M1 इंटू D1 बाई में W1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो M2 इंटू D2 बाई में W2। तो M1 कितना है देखो यहाँ पे 5 लड़के बोला है, मतलब कि 5। D1 कितना है, तो D1 देखो ये है 7 घंटा, तो यहाँ पे T1 या D1 जो भी होता है 7 हो गया, और नीचे आपका 35 खिलौना मतलब कि यहाँ पे हो गया 35 इक्वल टू में क्या आ गया, तो M2 देखो आपको पता नहीं है कितने लड़के पैक करेंगे पूछा है, तो M2 यहाँ पे हो गया इंटू में D2 देखो 3 घंटा दिया है, तो समय को 3 घंटा हो गया, वर्क कितना है तो 66 खिलौनों का वर्क है। कट कीजिए देखिए, 7 से 5 बार में कटेगा, 5 से देखिए 5 बार में कट गया, 3 से देखिए ये 22 बार में कट गया, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ से यहाँ तो M2 इक्वल टू आ जाएगा देखो आपका 22, मतलब कि कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो है 22। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया होगा सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे फाइंड 20% ऑफ 60, 60 रुपये का 20% ज्ञात करें। 60 का मतलब गुना 20%, तो परसेंट आओगे तो नीचे आ गया बट्टा में 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 गुना 2 कितना आ गया 6 × 2 करोगे तो आपका आएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि एक जब एक टेलीविजन को ₹16,756 में बेचा जाता है तो 18% का लाभ प्राप्त होता है, उस टेलीविजन का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य मतलब कि आपको बोला क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू निकालने का तरीका क्या है, तो देखो क्रय मूल्य जब दे दिया जाए तो निकालने का जो तरीका है वो है देखो आपका 100 बाई में 118 और इंटू में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, तो ये देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 16,756, ठीक है, तो जब 118 से जब 16,756 को कट करिएगा तो ये देखिए आपका 142 बार में कट हो जाएगा, 118 से जो 16,756 है वो देखो आपका 142 टर्म में कट हो जाएगा, और जब 100 इंटू 142 कर दोगे 142 तो आपका कितना आ गया देखो, तो ये आ गया 142 और साथ में 2 जीरोज़ एक्स्ट्रा मतलब कि 14,200। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सभी का हो गया होगा। चलिए तो मैथ में देखो अब क्या होता है कि नर्सिंग असिस्टेंट की जीके के 10 क्वेश्चन होते हैं और नर्सिंग असिस्टेंट के जो है मैथ्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, तो हो गए हैं यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब 5 फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि किसी ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप को जिसके अणुओं में वास्तविक द्रव्यमान गति द्वारा होता है। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार अच्छे से पढ़ते हैं कि किसी ताप का स्थानांतरण उच्च ऊष्मा से निम्न ताप को जिसके अणुओं में वास्तविक द्रव्यमान गति द्वारा होता है वो संचालन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं संवहन कहलाता है या विकिरण कहलाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है देखो यहाँ पे आपका संवहन, ठीक है, उनको कन्वेक्शन कहते हैं। राइट आंसर क्या होगी, तो संवहन जब किसी ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप को जिसके अणुओं से वास्तविक द्रव्यमान गति द्वारा होता है उसको संवहन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि द लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो कॉल्ड जड़ता के नियम को भी कहा जाता है। बहुत बार आपको पढ़ाया न्यूटन का चौथा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या फिर न्यूटन का दूसरा नियम। तो देखिए जड़त्व के नियम को जो है ना न्यूटन के किस नियम से जानते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर क्या होगा, तो पहला नियम, ठीक है, न्यूटन के पहले नियम के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अ डिवाइस यूज टू मेजर हाइट एबव सी लेवल इज नोन एज, समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है, विभव मापी या फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है विस्फारिणी या फिर देखो तुंगता मापी या फिर देखो आपकी पवन वेग मापी। तो याद रखिएगा कि समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जानते हैं, तो समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को देखो अल्टमीटर बोलते हैं, ठीक है, जिसको तुंगता मापी बोला जाता है, अल्टमीटर बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये देखो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आवृत्ति का SI मात्रक क्या है, यहाँ मीटर पर सेकंड, मीटर हर्ट्ज या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप सबको बहुत बार पढ़ाया है। देखिए आवृत्ति का जो SI मात्रक है वो देखो हर्ट्ज होता है, ठीक है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की जो SI मात्रक वो हर्ट्ज होती है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है देखो यहाँ पे आपका रेड कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज बिकॉज, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण क्या है, नीले रंग का क्या देखो नीले रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है या फिर सभी रंगों का समान रूप से प्रकीर्णन होता है। तो याद रखिएगा कि ऐसा एक ही कारण से होता है, उसका कारण यह है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, ठीक है। अब जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है ना उसका प्रकीर्णन, उसका विचलन देखो कम होता है, याद रखिएगा उसका प्रकीर्णन, उसका जो विकिरण है वो कम होता है,
जिस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन, उसका जो विकिरण है वो कम होगा, जस्ट उल्टा होता है। तो देखो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसी वजह से वो लाल दिखाई देता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। तो जिस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक है उसका प्रकीर्णन कम होता है, सबसे कम होता है। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया नहीं है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है इस वजह से, तो यहाँ पे दिया लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तो यही इसकी सही वजह है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने की वजह से जो ये कम फैलता है, ये एक ही जगह बना रहता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है इस वजह से। चलिए आगे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से देखो आपके बायोलॉजी होंगे, ठीक है, इनके देखो जीके से आते हैं 10 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद देखो जीएस होती है, जीएस से सॉरी उसके बाद जो आपकी मैथ्स होती है, मैथ्स से देखो आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। फिर होता है फिजिक्स, फिजिक्स से देखो आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। और फिर आता है देखो आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी से जो है 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए देख लेंगे बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस को। दिया हुआ है देखो यहाँ पे, निम्न में से कौन सी एंजाइम जो लाल रक्त कोशिकाओं में CO2 और HO2 के बीच प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है, कौन सा एंजाइम है वो ये आपको यहाँ बतानी है। तो जो इसकी राइट आंसर है वो देखो एंजाइम होता है आपका देखो कार्बनिक एंड्रेहाइड्रेज, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कार्बनिक एंड्रेहाइड्रेज है ये जो है आपका देखो लाल रक्त की कोशिकाओं में CO2 और H2O के बीच प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज प्रोसेस्ड बाय प्रपोज्ड बाय, सजीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। ये आप सबको बताना है कि जो सजीवों का 5 जगत वर्गीकरण हुआ था ये निम्न में से किसने किया था, विटकर ने, या फिर देखो बेंथम और हुकर ने, या फिर देखो एगलर और प्लांट ने, या फिर देखो आपकी हचिनसन ने, किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा सबको, सजीवों का जो 5 जगत का वर्गीकरण है ये देखो आपका किया गया था किसके द्वारा, तो विटकर के द्वारा। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, निम्न में से कौन से कारक नई प्रजातियों के निर्माण में शामिल होते हैं, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। सबको बताइएगा कि निम्न में से कौन सा कारक जो है देखो आपका नई प्रजातियों के निर्माण में शामिल होता है। देखो वो जो कारक है ना वो होता है देखो आपका अलगाव और जीन प्रवाह, ठीक है, आइसोलेशन और जीन प्रवाह की वजह से जो है आपका देखो नई प्रजातियों के निर्माण होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, द प्रोडक्शन और एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड, मछली के उत्पादन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है। दिया हुआ है देखो एक्वा कल्चर, या फिर देखो एपी कल्चर, या फिर देखो आपका सेरी कल्चर, या फिर देखो दिया हुआ है यहाँ पे पीसी कल्चर। तो लगभग सबको जानते हैं मछली के उत्पादन और प्रबंधन को जो है पीसी कल्चर के रूप में जानते हैं, मत्स्य पालन के रूप में। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या है देखो आपका दी हुई है देखो, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशंस डिस्पाइट चेंजेज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, क्या दी हुई है देखो, बाह्य वातावरण में परिवर्तन के बावजूद आंतरिक अनुकूल परिस्थितियों का रख रखाव क्या कहलाता है। समस्थैतिक, जिसको होम स्टेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ देखो एंथ्रोपी, या फिर देखो नेक्स्ट में दी हुई है यहाँ पे एंथैल्पी, या फिर देखो नेक्स्ट में दिया हुआ स्टेडी स्टेट। तो याद रखिएगा कि बाह्य वातावरण में परिवर्तन के बावजूद आंतरिक अनुकूल परिस्थितियों की रख रखाव को जो है होमो क्या बोलते हैं देखो यहाँ पे होमोस्टेट्स के रूप में जानते हैं। राइट आंसर क्या होगी, तो सम स्थैतिक होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि यहाँ पे है देखो आपका, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड, वंशागति और विविधताओं का अध्ययन को क्या कहते हैं। फाइलोजेनी, या फिर देखो आपकी दी हुई है क्रमिक विकास, या फिर देखो अनुवांशिकी विज्ञान, या फिर देखो परिस्थितिकी, क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा वंशागति और विविधताओं के अध्ययन को जो है जेनेटिक्स अनुवांशिकी विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इन द सेल इज रेफर्ड एज द पावर हाउस, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पावर हाउस शक्ति गृह के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिका अंग को जो है पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहते हैं, बहुत बार आपको पढ़ाया है, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, राइबोसोम, या फिर देखो माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब जानते हो, बहुत बार आपको पढ़ाया भी है। तो याद रखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको देखो जाना जाता है पावर हाउस के रूप में, ठीक है। सेल ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, यह है देखो आपका स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज, केंद्रक कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, राइनोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान, केंद्रक विज्ञान, या फिर देखो कवक विज्ञान। निम्न में से जो है केंद्रक कोशिका विज्ञान का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा केंद्रक कोशिका विज्ञान के अध्ययन को जो है केंद्रक विज्ञान के रूप में बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 28 की राइट आंसर क्या होगी, तो केंद्रक विज्ञान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 29,
आइसोलेटेड सॉल्ट इज यूजफुल फॉर मैन बिकॉज इट मनुष्य में आयोडाइज्ड नमक क्यों उपयोगी होता है, बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, पाचन में सुधार करता है या फिर बाल गिरने से रोकता है। निम्न में से मनुष्य में जो है आयोडाइज्ड नमक क्यों उपयोगी होता है, क्या उपयोग है इसका, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो लगभग सभी को आंसर पता होगा। देखिए मनुष्य में जो आयोडाइड नमक है वो जो है आपका देखो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ये जो है घेंघा रोगों से बचाता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोयल, मिट्टी के निर्माण का प्रमुख स्रोत है नदी के किनारे, चट्टाने, बर्फ से ढके पहाड़ या फिर देखो ज्वालामुखी। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए, शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स साथ हमारे इस क्लास को, उसके साथ जो भी चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दिया हुआ है कि मिट्टी के निर्माण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो देखो मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों की वजह से होता है। ठीक है, रॉक्स जो चट्टान होते हैं ये जो प्रमुख स्रोत होते हैं मिट्टियों के निर्माण में। 30 क्वेश्चन आपकी हो चुकी है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी क्या दी हुई है, दी हुई है देखो व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ स्केलेटन मसल्स, कंकाल की मांसपेशी की मूल विशेषताएं क्या हैं, रेखीय पेशी और अनैच्छिक पेशी, या फिर देखो अरेखित पेशी और अनैच्छिक पेशी, या फिर देखो रेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी। नेक्स्ट में दी हुई है अरेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी। देखिए इसका जो राइट आंसर है कि कंकाल की मांसपेशियों की मूल विशेषताएं क्या है। ठीक है, ये आप सबको यहाँ बतानी है। तो चलो ये जो है क्वेश्चन है ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, सबको बताना, ये होमवर्क देना बनता है, सबको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर बता पाओगे तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखो यहाँ पे जीरो फथलमिया इज कॉज्ड इन मैन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मनुष्य में जीरो फथलमिया किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन B12। निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से, निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व बोल सकते हो किसकी कमी से जो है मनुष्य में जीरो पथलमिया होता है। देखो मनुष्य में जो जीरो पथलमिया है ये देखो विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है ना कि आंखें सूख जाती हैं, मनुष्य की जो आंखें हैं वो सूख जाते हैं उसकी, वो जो है आपका देखो विटामिन ए की वजह से होता है। ठीक है, जिसको जीरो पथलमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 33, आरएच फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, लैंसनर और विनर ने, विलियम हार्वे ने, या फिर देखो माल पिगी ने, या फिर देखो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं किया होगी राइट आंसर। तो देखिए आरएच फैक्टर की खोज आप सबको बहुत बार पढ़ाया, राइट आंसर क्या होगा, तो देखो आरएच फैक्टर की जो खोज है ये देखो लैंसनर और विनर के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर ए, 33 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या है देखो आपका, इथोलॉजी इज ब्रांच ऑफ जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, इथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जो के अध्ययन से संबंधित है, डायनासोर, कुत्ते, हाथी या मछलियों। जो इथोलॉजी है वो निम्न में से किसके स्टडी से संबंधित है, डायनासोर के, कुत्ते से, हाथी से या फिर मछली के स्टडी से। तो देखिए जो आपका इथोलॉजी है वो देखो आपका संबंधित है मछलियों के अध्ययन से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपका, हु इज नोन एज डार्विन ऑफ 20th century, 20वीं सदी के डार्विन किसको कहा जाता है, अर्नेस्ट मेयर को, टी ओ डायमर को, आर एच विटकर को, या फिर देखो डी जे इवानोस्की को। तो देखिए 20वीं सदी के डार्विन के रूप में जानते हैं अर्नेस्ट मेयर को। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जो अर्नेस्ट मेयर हैं इनको देखो 20वीं सदी के डार्विन के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो आपकी जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं उनके देखो जीके के आते हैं 10 questions। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट में आपकी होती है मैथ्स, मैथ्स के होते हैं देखो 5 questions। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है देखो आपका फिजिक्स, फिजिक्स की होती है देखो 5 questions। नेक्स्ट होती है देखो आपकी बायोलॉजी, बायोलॉजी के होते हैं देखो 15 questions। कितने हो गए देखो 10, 15, 25 हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट 5, 5 कितने हो गए, तो टोटल देख सकते हो यहाँ पे आपकी 35 हो गए। अब देखो आपकी नेक्स्ट में होती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के टोटल 15 questions होते हैं। तो अब जो हमारी केमिस्ट्री बची हुई है, केमिस्ट्री के और जो है 15 questions सब सब कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है देखो यहाँ पे आपका, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड, ठोस को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर बी में क्रिस्टलीय, ऑप्शन नंबर सी में है अक्रिस्टलीय, ऑप्शन नंबर डी में देखो नाइदर ए और नाइदर बी। देखो यहां पे मिस्टेक हुई है, इनको जो है करना चाहिए था बोथ बी एंड सी, क्योंकि देखो बी और सी में ही तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय लिखा है ना, यहां जो नाइदर ए एंड बी इन्होंने किया, ये गलती किया इन्होंने, यहां पर होना चाहिए था बोथ बी एंड सी, मतलब कि बी और सी दोनों। नेक्स्ट होना चाहिए था यहाँ पे नाइदर बी और सी, ना बी और बी और सी दोनों नहीं, क्या होगा। तो देखिए जो राइट आंसर है ना वो होगी देखो आपकी, जो ठोस होते हैं वो देखो क्रिस्टलीय भी होते हैं,
ठीक है, ठोस क्रिस्टलीय भी है एवं अक्रिस्टलीय भी है, ठोस दोनों होते हैं ठीक है, ठोस क्रिस्टलीय भी है एवं अक्रिस्टलीय भी है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार अगर यहाँ पे बी होता, बोथ बी एंड सी अगर लिखता तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग, निर्जल धुलाई में निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल, कोल तार, किरोसिन तेल या फिर देखिए वाटर, निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका प्रयोग किया जाता है निर्जल धुलाई में, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो याद रखिएगा सब कुछ, जो निर्जल धुलाई है इसमें देखो प्रयोग होता है पेट्रोल का ठीक है, कभी कभी कोलतार भी होता है लेकिन याद रखिए जो बेसिक अगर पेट्रोल कोलतार दोनों की दी गई तो आपको इसके साथ चलना होगा। राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल ठीक है, निर्जल धुलाई में जो पेट्रोल की प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, द ओर ऑफ आयन इज लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, डोलामाइट या फिर एंथ्रासाइट, बहुत बार आप सबको पढ़ाया है, सबको बताइएगा कि निम्न में से जो है लोहे का अयस्क क्या होता है। तो देखिए जो लोहा है, लोहा का अयस्क दो ठो होता है, पहला होता है देखो आपका हेमाटाइट, नोट कर लीजिएगा, और दूसरा होता है देखो आपका मैग्नेटाइट। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो मैग्नेटाइट कहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, निम्न में से कौन सा स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट, सिलिका, हीरा या फिर देखो आयरन ऑक्साइड ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है देखो स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। देखिए स्नेहक के रूप में प्रयोग होने वाले दो हैं, पहला होता है देखो आपका ग्रेफाइट और दूसरा कभी कभार सिलिका का भी प्रयोग किया जाता है जब ग्रेफाइट उपलब्ध नहीं होता है ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखो आपके जब ग्रेफाइट और सिलिका दोनों दी जाएगी तो इस प्रकार आपको आंसर ग्रेफाइट को ही करना होगा। राइट आंसर देखिए आपकी ऑप्शन ए होगी क्योंकि इसका जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रेफाइट का सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपकी क्या है देखो यहाँ पे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन ऑन द बेसिस ऑफ, क्रिस्टलीय ठोस को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, संगलन उष्मा, आकार या फिर देखो यहाँ पे अंतरात्मिक बल दी हुई या फिर ऑप्शन नंबर डी में लंबी दूरी के क्रम। तो देखिए जो राइट आंसर होगा कि क्रिस्टलीय ठोस को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है तो वो है देखो आपका अंतरात्मिक बल। इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर है वो देखो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, एलो इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स, चुंबक बनाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, आप सबको पढ़ाया हुआ है, मैग्नेलियम का, स्टेनलेस स्टील का, ड्यूरालमीन का या फिर देखो अल्निको का, निम्न में से किसका प्रयोग जो है चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा जो चुंबक है चुंबक बनाने के लिए देखो प्रयोग होता है अल्निको का, राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी अल्निको ठीक है, चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्निको का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीकरण को के रूप में परिभाषित किया जाता है, बहुत बार आपको पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि या फिर देखिए इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो देखो जो ऑक्सीकरण होता है इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है ठीक है, जो ऑक्सीकरण है इसमें आपका ऑक्सीजन जो है जुड़ता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी होती है, इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है ठीक है, इलेक्ट्रॉन घटता है। जिसके राइट आंसर क्या हो जाएगा देखो इसका ऑप्शन नंबर ए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जो है कमी होती है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज, अपचायक को के रूप में भी जाना जाता है, अपचायक अभिकर्ता, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरक अभिकर्ता या फिर देखो अपचयन। तो देखिए जो अपचायक होता है इसको उसको जो है रिडक्टेंट एजेंट के रूप में भी जानते हैं, अपचायक को जो है अपचायक अभिकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका, नेम ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट इन द डोमेस्टिक कुकिंग गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर में विद्यमान गैस का नाम बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, नाइट्रोजन या फिर देखो मीथेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आप सबको पढ़ाया हुआ है, सबको बताइएगा कि घरेलू गैस सिलेंडर में जो है विद्यमान गैस का नाम क्या होता है। देखिए जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है उसमें देखो ब्यूटेन पाया जाता है, राइट आंसर क्या होगी तो ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, शिप्स एंड सबमरीन्स हैव बीन डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, जहाज और पनडुब्बियों का डिजाइन के आधार पर किया जाता है, डिजाइन का निर्माण के आधार पर किया जाता है, आप सबको ये पढ़ाया हुआ है, मैंने कल जो प्रैक्टिस करवाया था उसे मैंने आप सबको ये सिद्धांत के बारे में बताया था। देखो जहाज और पनडुब्बी जो होते हैं वो किसके सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, बर्नौली का सिद्धांत पे या फिर देखो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। तो याद रखिएगा जो जहाज और पनडुब्बी है इनका देखो निर्माण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किया जाता है, राइट आंसर क्या होगी तो ऑप्शन नंबर बी। जितने भी तैरने वाले जो चीज़ें होते हैं जैसे में कि कील डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, फ्लोटिंग बॉडीज, जहाज और पनडुब्बी, ये सभी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्यरत होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर ड्राइंग ऑफ नेचुरल गैसेस,
कौन सा निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोगशाला में उदासीन गैसों को तेजी से सुखाने में काम आता है? निर्जलीय कैल्शियम ऑक्साइड, निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड दिया, सॉरी। उसके बाद देखो यहाँ पे सक्रिय चारकोल, नेक्स्ट में Na3PO4, नेक्स्ट में देखो आपकी फास्फोरस पेटोक्साइड। तो याद रखिएगा निम्न में से कौन सा पदार्थ जो प्रयोगशाला में उदासीन गैसों को तेजी से सुखाने में काम आता है? तो वो है देखो आपका निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है इसका देखो प्रयोग होता है, निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड का जो है प्रयोग होता है प्रयोगशाला में उदासीन गैसों को तेजी से सुखाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, विच आर द टू फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमोस्फेयर? वातावरण में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं? पानी और ऑक्सीजन। ये वातावरण में पानी मौजूद नहीं होता है, जिसलिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग चीज़ हो गई, ये ऑक्सीजन की नहीं है पार्ट। यहाँ पे देखो ओजोन और ऑक्सीजन, नेक्स्ट है पानी और ओजोन। तो जो राइट आंसर है वो देखो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जो ओजोन और ऑक्सीजन है ये देखो वातावरण में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप हैं, ठीक है, हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48, सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर वर्क और एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स इज नोन एज? वह प्रणाली जिसमें वातावरण के साथ द्रव्य ऊर्जा अथवा कार्य का आदान प्रदान नहीं होता कहलाती है? समतापीय, रुद्धोम, आइसोलेटेड या पृथक, या फिर देखो ऑप्शन नंबर डी में है क्लोज्ड, समृद्ध। तो देखिए वैसी प्रणाली जिसमें वातावरण के साथ ना ही द्रव का, ना ही ऊर्जा का और ना ही कार्य का आदान प्रदान हो रहा है वो देखो पृथक होता है, वो आइसोलेटेड कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैसेज डज नॉट एग्जिस्ट इन एयर? निम्न में से कौन सी नोबेल गैस हवा में उपलब्ध नहीं है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन या फिर नियॉन। तो सबको एक लगभग पता होगा निम्न में से कौन सी नोबेल गैस हवा में उपलब्ध नहीं है। तो देखो हवा में उपलब्ध नहीं रहने वाली जो नोबेल गैस है वो देखो आपकी रेडॉन है, ठीक है। रेडॉन एक नोबेल गैस है लेकिन ये हवा में उपलब्ध नहीं रहता है। रेडॉन जो है वो हवा में उपलब्ध नहीं रहता है, सबको याद रखिएगा। राइट आंसर जो इसकी ऑप्शन सी होगी, ठीक है, रेडॉन जो है वो हवा में उपलब्ध नहीं रहती है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सवाल ये दिया हुआ है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स? निम्न में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? सबको पढ़ाया हुआ है, सबको बताइएगा। नाइट्रिक अम्ल, कल ही सबको प्रैक्टिस शीट वाले में क्लियर किया था, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर देखो फास्फोरिक अम्ल। बताना है कि निम्न में से किसका प्रयोग जो है देखो निम्न में से किसको जो है रसायनों का राजा कहते हैं? तो रसायनों का राजा देखो बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, देख सकते हो ये मैंने आपको कल ही करवाया था। बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखो मैं इसलिए आप सबको बोलता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन मैंने पहले बता देता हूँ मैं कि जो भी क्वेश्चन आज आप कर रहे हो वो 2021 से 2018 की हैं, तो 2021 से 2017 की हैं, इन्हीं के बीच के क्वेश्चन मैं रखता हूँ इन्हीं पेपर्स की, ठीक है। तो देखो निम्न में से किसको रसायनों का राजा कहा जाता है? तो वो है देखो आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको देखो रसायनों का राजा कहते हैं। चलिए तो आज देखिए आपके टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, ठीक है, टोटल आपके आज 50 क्वेश्चन करवा दिए नर्सिंग असिस्टेंट के। बहुत दिन से आप सब डिमांड कर रहे थे, नर्सिंग असिस्टेंट वाले हो चुकी है, अब देखो आगे पेपर है नहीं तो प्लीज़ डिमांड मत करना। मैंने पूरी मिलेगी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन देखिए नहीं रहेगी तो उसके लिए आप सबको सॉरी। तो चलिए आज मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करवाए हैं, सबको बताइएगा कि आज के टोटल 50 क्वेश्चन में से आप सबने कितना स्कोर किया। सभी कोई को बताना, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन कुछ भी रिपीट हो सकता है, किसी का भी क्वेश्चन किसी में भी दे सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी के सभी की सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो ये ना समझे कि इनका जो क्वेश्चन आया वो आपका नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो सकता है आप में रिपीट हो जाए। सभी की क्लासेस करनी बहुत जरूरी है। सबको बताइएगा कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, ऑल ऑफ यू, सभी का टारगेट है, सभी को बतानी है। उसके साथ साथ चलिए अब आप सभी से मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे कल, जब आएगी देखो आपकी इंडियन आर्मी के जीके जीएस क्वेश्चन पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे कल दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास में, जो हमारी टॉपिक वाइज इंडियन आर्मी के जीके जीएस होती है दोपहर 1 बजे स्पेशल क्लास, उसे मिलूंगा आपसे। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स। अब मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।